यू आर वॉचिंग ए सिलोबस एग्जाम ए जहांगीर। इस वीडियो में हमने रिव्यू एंड समरी ऑफ यूनिट लॉगरिथम का जो हमने पढ़ा है उसका रिव्यू लेना है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करना है। उनमें सबसे पहले हमने बात करनी है साइंटिफिक एंड ऑर्डनरी नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है, ऑर्डनरी पहले हमारे पास आम जो हिंस होते हैं, लेट सपोज 7, 3, 6, 0, 2, इसको हम ऑर्डनरी नोटेशन कहते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन से हमारी मुराद ये होती है जब इसको हम 10 के पावर में लिखते हैं। अच्छा, अब ये हम 10 के पावर में कितने हिंस आएंगे, कैसे आएंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने हिंस से इशारिया जो है ना इधर से इधर तक ले आए। 4 हिंस से आपने इशारिया के पीछे कर दिए तो इधर हमारे पास क्या आया, 10 की पावर में 4 आया। नॉर्मली हम जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इशारिया से लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सिर्फ एक ही हिंसा लेफ्ट साइड पे छोड़ते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास बहुत कोई छोटा हिंसा हो और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो इसको हम लिखते हैं जो नॉन जीरो हिंसा है उसके बाद इशारिया डालते हैं इनटू 10^2। आपने इशारिया कितने उधर लेके गए, दाएं साइड पे लेके गए, तो हमारे पास 1, 2, 3 हिंसों का हमने पार किया तो इसको हम माइनस करते हैं। जब लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर में प्लस आता है, जब राइट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर में माइनस आता है, दैट विल बी -3। अच्छा, इस यूनिट में हमने जो दूसरा टॉपिक डिस्कस किया है और डिस्कस करना है हमने, दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया हो, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में या लॉग की सूरत में जब हम लिखेंगे, इट विल बी लॉग ऑफ वाई विद बेस ए। यहाँ पे जो बेस है वो लॉग का भी बेस बनेगा और यहाँ पे जो वैल्यू है रियल नंबर है वो लॉग के आगे आएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू एक्स। मतलब जब आप वाई का विद बेस ए लॉगरिथम मालूम करोगे तो ये हमारे पास बराबर होगा एक्स के। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3 पावर 2 लेते हैं, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9। अब अगर इसको हम लॉग की सूरत में लिखेंगे, लॉग ऑफ 9, बेस वही रहेगा, बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। आप बहुत आसानी के साथ आप जो है वो लॉग से किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएँ, फिर उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आएँ, वो जो पावर है वो ही आपकी इसकी वैल्यू बनेगी। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो हमारे पास इसको हम लेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग ऑफ 125 विद बेस यहाँ पे 5 है तो इसका बेस भी 5 होगा, इज इक्वल टू जो पावर है उसके बराबर होगा। सो दिस वॉज द सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड। तीसरी चीज़ हमने इस यूनिट में जो डिस्कस की है और करनी है, जो इम्पॉर्टेंट है, कि हमारे पास एक नंबर गिवन है और हमने उसका लॉगरिथम मालूम करना है। लॉगरिथम में दो चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक को हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और एक को हम मेंटिसा कहते हैं। सादा लफ्ज़ में अगर हम बात करेंगे तो इशारिया की जो लेफ्ट साइड पे हिस्सा होता है उसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं आफ्टर फाइंडिंग द लॉगरिथम, और राइट साइड पे जो हिस्सा होता है उसको हम मेंटिसा कहते हैं। दोनों के मालूम करने का तरीका हम डिस्कस करेंगे कि करेक्टरिस्टिक हम कैसे मालूम करते हैं और मेंटिसा हम कैसे मालूम करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की सबसे पहले हम बात करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम यहाँ से इसी को वो कर लें एक्सपोनेंशियल सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में। मिसाल के तौर पर आपको कोई हिंसा दिया गया है 7, 9, 8, 3, 2, 5 और आपने इसका लॉगरिथम मालूम करना है, तो सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। 7, 8, 9, 7, 9, 8, 2 इनटू 10^2 क्या आएगा, 10^2 क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हिंसे 10^5। तो इसका मतलब ये है कि इस हिंसे का जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, +5 होगा। नॉर्मली हमारे पास लॉगरिथम में 4 हिंसों का हिंसा लेते हैं, उसको राउंड करते हैं 4 हिंसों तक। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। लेट सपोज हमारे पास है, सेवन नाइन पॉइंट थ्री टू
अब इसको मैं सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, तो इट विल बी 7.92 × 10^4। इशारियों को मैं कितने हिंस से लेके आया, एक, तो हमारे पास एक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास हिंसा है 0.0234, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखूंगा, इट विल बी 2.34 × 10^4। इशारियों को मैं इधर से इधर लेके आया हूँ, -2, तो इसका मतलब ये है कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगा, -2 होगा। लेकिन हम जब भी करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं -2 डायरेक्टली नहीं लिखते, क्योंकि मेंटीसर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा और इशारे में होगा, और करेक्टरिस्टिक माइनस या प्लस हो सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है बार डालते हैं। 2 बार का मतलब ये है कि ये जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो हमारे पास माइनस है। अच्छा, अब इन्हीं चीज़ों को दोबारा मैं सादा अल्फाज में समझाता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन को सिर्फ हर दफ़ा ये समझाने के लिए होता है, कन्वर्ट हर दफ़ा करना मुश्किल होता है। आपने ये देखना है करेक्टरिस्टिक में कि इशारिया से लेफ्ट साइड पे कितने हिंस हैं। इशारिया से लेफ्ट हाइट पे 2 हिंस हैं, तो उसको 1 कम करो, मतलब 2 से 1 कम करो, 1 हो जाता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। अगर इशारिया से लेफ्ट साइड पे 3 हिंस हों, तो 3 को 1 कम करो 2, तो वहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 होगा। सिमिलरली ये छोटे हिंस स्मॉल नंबर्स में, हमारे पास अगर नंबर गिवन हो, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखना है कि इशारिया और नॉन सिग्निफिक, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट हिंसा है, उनके दरमियान कितने जीरो हैं, उनको आपने क्या करना है, 1 बढ़ाना है। अब 2 और पॉइंट के दरमियान 1 जीरो है, तो आप इसको 1 बढ़ाओ, 2 कर दो, तो -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 भी जीरो ना हो, 0.2 होता, तो इनके दरमियान कोई जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है 0 + 1 = -1 हो जाता। तो इस तरह भी आप करेक्टरिस्टिक देख के भी मालूम कर सकते हो। फिर उसके बाद हम मेंटीसर की बात करते हैं। मेंटीसर के लिए आपको लॉगरिथमिक टेबल देखना पड़ेगा। लॉगरिथमिक टेबल को जब आप ओपन करते हो, अगर आपके साथ किताब में होगी, यकीनन है, उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला कॉलम जो है लेफ्ट साइड पे, इसका ऊपर कोई टाइटल नहीं है, और ये स्टार्ट है हमारे पास 10 से लेके 99 तक। फिर उसके बाद एक सीरीज है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के कॉलम हैं, और इसके नीचे जो है वैल्यूज़ हैं, और आखिर में राइट साइड पे मीन डिफरेंस के नाम से कुछ कॉलम हैं जो कि 1 से लेके 9 तक हैं। ये 0 से लेके 9 तक हैं, और ये 1 से लेके 9 तक हैं। अब मैंने शुरू में बात की कि जब भी हम लॉगरिथम मालूम करते हैं, उसको 4 हिंसों तक लेके आते हैं। उसमें पहले 2 हिंसे जो हैं, इसमें पहले 2 हिंसे आप इधर तलाश करोगे। इसमें मिसाल के तौर पर 79 है, तो 79 को इधर ढूंढोगे। फिर तीसरा हिंसा जो है थर्ड डिजिट, वो इसके नीचे देखोगे, ये जिस जगह पे मैच करता है वही हिंसा आप उठाओगे। और चौथा हिंसा जो है वो मीन डिफरेंस में देखोगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी 2 के नीचे, इन दोनों को आपस में आप जमा करोगे, इससे जो जवाब आएगा उसको पॉइंट के आगे लिख दो, वो क्या हो जाएगा, आपका मेंटीसा हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास जो करेक्टरिस्टिक आया है वो पॉइंट, और यहाँ से आपके पास जो मेंटीसा आया है ये आपका क्या हो जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहिए कि ये जो कॉलम है ये 0 से क्यों स्टार्ट नहीं है 10 से क्यों स्टार्ट है। उसमें पहली बात ये है कि हमने क्या करना है कि हमारे पास 4 डिजिट को राउंड करना है। अगर लेफ्ट साइड पे कोई ज़ीरो आ गया, आगे जो है 0 से लेके 9 तक जो है वो सिंगल डिजिट हैं, तो हमने यहाँ पे तो 2 डिजिट लेने हैं, तो इसलिए हमने 10 से स्टार्ट किया है। दूसरी रीज़न, अब ये भी कोई पूछ सकता है कि 09 भी तो 2 डिजिट हो जाते हैं। अब 09 बेशक 2 डिजिट हो जाते हैं, लेकिन लॉगरिथम्स के लिए जब राउंडिंग करते हैं 4 डिजिट्स की, तो लेफ्ट साइड पे जो 0 होते हैं उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, उनको हम ड्रॉप करते हैं। वो राइट साइड पे हम उसकी, अगर कम हो 3 हिंसे हो, तो राइट साइड पे हम 0 लेते हैं। तो इसलिए इस टेबल में जो है 10 से स्टार्ट है और 99 तक है। और यहाँ पे तीसरा हिंसा जो है वो हमारे पास 0 से लेके, मतलब थर्ड डिजिट में 0 भी आ सकता है, 9 तक कोई भी हिंसा आ सकता है,
फिर मीन डिफरेंस में 1 से स्टार्ट है, उसमें 0 क्यों इंक्लूड नहीं है? वो इसलिए इंक्लूड नहीं है कि अगर चौथा हिंस 0 हो जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर तीन हिंसों से हमारा जो मेंटीसा है वो कैलकुलेट हो जाता है। आई डू होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। आप लोगों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।